Hello everyone, welcome to UniSmart Tutorials. So today I am going to start exercise 2.3 of chapter number 2 polynomials. आज मैं आपको 2.3 कराऊंगी. So इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें. Do like, comment and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos. So अब हमें exercise 2.3 करनी है. उसे करने से पहले हमें यहाँ पे division सीखना होगा कि हम polynomials को divide कैसे करते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1. हमें क्या करना है यहाँ पे, इसे डिवाइड करना है. हमें डिविडेंड दिया हुआ है एंड डिवाइजर दिया हुआ है x + 1. सो टू पॉलिनोमियल्स गिवन है. अब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं. सो सबसे पहले अब आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, x + 1 हमें डिवाइड करना है x³ + 3x² + 3x + 1. अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट टर्म देखेंगे. फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, x³. अब हमें इस x की हेल्प से x³ बनाना है. सो x में अगर मैं x² मल्टीप्लाई करूंगी सो वो क्या बन जाएगा, x³. सो अब आप यहाँ लिख दोगे x² हमने क्या करा है, x में मल्टीप्लाई किया है. सो हमारे पास आया है x³. अब यहाँ पे जो साइन होता है प्लस, अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, इसे नेगेटिव, ताकि प्लस माइनस माइनस हो गया और ये हमारा हो जाता है ऐसे कट. अब आपको x² जैसे आपने x से मल्टीप्लाई किया है, अब हमें इसे दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई करना होगा. सो x² × 1 = x². सो आप x² को 3x² के नीचे लिख दोगे. सो अब हम क्या करेंगे, इसका साइन क्या हमारा प्लस, सो हम यहाँ लिख देंगे नेगेटिव. प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 - 1 = 2, ये हो जाएगा हमारा 2x². अब हम बाकी टर्म सारी एज इट इज लिख देंगे, दैट इज 3x + 1. अब हमें क्या करना है, x की हेल्प से 2x² बनाना है. सो अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 2x, वो भी प्लस का. अब जब मैं इसमें 2x मल्टीप्लाई करूंगी सो ये क्या बन जाएगा, 2x². सो अब हमने इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया. अब हमें 2x को 1 से भी मल्टीप्लाई करना होगा. सो 2x × 1 = 2x. सो 2x हमारा प्लस का यहाँ आ जाएगा. दोनों के साइन पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव. सो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा कट. प्लस माइनस इज माइनस, 3 - 2 = x. सो ये हो जाएगा x + 1. अब हमारा देखो x + 1 यहाँ पे भी है. सो x + 1 हमारा यहाँ पे भी है. अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से. सो ये 1 × x = x, 1 × 1 = 1. दोनों का साइन यहाँ पे हो गया नेगेटिव, ये हो गया हमारा कट. सो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 0. हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, रिमाइंडर फाइंड आउट करना. सो अब हमारा रिमाइंडर इज 0. सो दिस इज द वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सेकंड पार्ट इज x - 1/2. अब हमें डिवाइजर x - 1/2 दिया हुआ है. सो अब हम इसे करके देखते हैं. x - 1/2 को हमें डिवाइड करना है x³ + 3x² + 3x + 1 से. सो अब हमें क्या करना है, x की हेल्प से x³ बनाना है. सो अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अपना x². सो x² जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x³, वही माइनस और ये हमारा हो गया कट. अब आपको x² को -1/2 से भी मल्टीप्लाई करना है. सो ये हो जाएगा -x² / 2. सो यहाँ पे इसके साथ साइन हमारा माइनस का, सो ये हो जाएगा प्लस. सो अब साइन हो गए हमारे प्लस प्लस. सो अब हम दोनों को क्या करके देख लेते हैं, प्लस. सो 3x² + x² / 2 अगर हम करें, सो ये हो जाएगा 6² + x² / 2, दैट इज 7x² / 2. यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है. सो ये हो जाएगा हमारा 7x² / 2. अब हम बाकी टर्म क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे, दैट इज 3x + 1. अब हमें क्या करना है, x की हेल्प से 7x² / 2 बनाना है. सो अब हम इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 7/2 x मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये हमारा हो जाएगा 7/2 x². सो ये माइनस और ये हमारा हो गया कट. अब हमें 7/2 x को हमें क्या करना है, -1/2 से मल्टीप्लाई करना है. सो ये हो जाएगा हमारा -7/4 x. सो ये साइन माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे
प्लस अब हम करके देख लेते हैं 3x प्लस 7x अपॉन 4 सो हो जाएगा 12x प्लस 7x अपॉन 4 ये हो जाएगा हमारा 19x अपॉन 4 प्लस 1 अब आप देख सकते हैं 19x अपॉन 4 x के हेल्प से बनाना है सो अब हम इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे 19 अपॉन 4 सो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा 19 अपॉन 4x माइनस का साइन ये हो गया कट अब ऐसे 19 अपॉन 4 को हम माइनस 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सो हो जाएगा माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2 4 इज 8 ये माइनस का साइन हो गया प्लस में अब हमें 19 डिवाइड बाय 8 को प्लस कर देना है 1 से अब हम इसे साइड में करके देख लेते हैं 19 अपॉन 8 प्लस 1 का एलसीएम निकालते हैं सो ये हो जाएगा 8 19 प्लस 1 के टेबल में 8 पे आते हैं 8 1 इज 8 सो ये हो जाएगा हमारा 27 अपॉन 8 सो यहाँ पे हमारे पास इसका रिमाइंडर आ रहा है 27 अपॉन 8 सो अब लिख दोगे रिमाइंडर इज 27 डिवाइडेड बाय 8 आई होप द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए अब हमें क्या करना है इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके देखना है और हमें फाइंड करना है अपना रिमाइंडर सो अब हम इसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे x माइनस ए डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए अब हमें क्या करना है x की हेल्प से x क्यूब बनाना है सो अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे x क्यूब ऐसे हमें x स्क्वायर को माइनस a से भी मल्टीप्लाई करना होगा ये हो जाएगा माइनस a x स्क्वायर सो ये प्लस साइन हो जाएगा हमारा नेगेटिव नेगेटिव साइन हो जाएगा हमारा पॉजिटिव सो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं ये हो जाएगा हमारा कट माइनस प्लस इज माइनस सो ये वाला भी हमारा पार्ट क्या हो रहा है कट यहाँ बचा हमारे पास 6x माइनस a अब हमें x की हेल्प से क्या बनाना है 6x तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 6 सो ये हो जाएगा प्लस 6 सो ये हो जाएगा हमारा 6x और 6 को हम माइनस से भी मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा माइनस 6a सो ये प्लस का साइन हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव का साइन हो जाएगा पॉजिटिव सो ये तो हमारा हो गया कट माइनस प्लस इज माइनस सो 6 से हम a माइनस कर देंगे हमारा आ जाएगा रिमाइंडर 5a सो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया है रिमाइंडर इज 5a क्वेश्चन नंबर 3 इज चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x अब हमें बताना है कि हमारा ये पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल का क्या है फैक्टर है ये नहीं सो अब हम इसे अपना डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है सो ये फैक्टर है अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है सो ये फैक्टर हमारा नहीं है सो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं सो 7 प्लस 3x को मैं इस तरीके से रीअरेंज करके लिख रही हूँ 3x प्लस 7 अब हम इसे अपने दूसरे पॉलिनोमियल से करके देखते हैं डिवाइड दैट इज 3x क्यूब प्लस 7x अब हमें क्या करना है 3x की हेल्प से 3x क्यूब बनाना है सो अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा x स्क्वायर सो ये हमारा हो जाएगा 3x क्यूब साइन हो गया नेगेटिव ये हो गया हमारा पार्ट कट अब हमें एक्स स्क्वायर को 7 से भी मल्टीप्लाई करना है सो 7 इंटू एक्स स्क्वायर इज 7x स्क्वायर सो हम इसे लिख देंगे यहाँ पे 7x स्क्वायर सो इसका साइन पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा सो हम इसे नोट डाउन कर रहे हैं सो ये हो जाएगा 7x माइनस 7x स्क्वायर अभी हमारा आगे पार्ट सॉल्व नहीं हो सकता और ये हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है सो आप लिख दोगे 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x ये हमारा इसका फैक्टर नहीं है आई होप ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज हैज बीन क्लियर सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं एंड इफ देयर इज एनी डाउट सो डू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स So do like, comment and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos.